ईडी, सीबीआई और बीजेपी केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाले संजय राउत के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत से जब कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने कहा कि अमित शाह जी महाराष्ट्र के जमाई हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं टिप्पणी करूंगा। उनका कहना है कि उनकी पत्नी कोल्हापुर की है और वो हमारे जमाई है, इसीलिए आज उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दरअसल संजय राउत के ये तेवर क्यों बदले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संजय राउत लगातार बीजेपी, केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन पर हमले करते आए हैं। यहां तक कि संजय राउत ने केंद्रीय एजेंसियों की तुलना कुत्ते से भी कर दी थी। लेकिन अब संजय राउत के तेवर जो हैं वो नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल संजय राउत एक बैंक घोटाले मामले में फंसे हुए थे जिसके बाद वो जेल में गए। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी आपबीती बताई और बताया कि किस तरीके से वो जेल में थे, और इसीलिए संजय राउत को ये भी डर है कि कहीं दोबारा उन्हें जेल ना जाना पड़े, इसीलिए केंद्र सरकार पर वो मेहरबान दिखाई पड़ रहे हैं। संजय राउत ने अपनी आपबीती बताते हुए ये कहा था कि जेल में रहने के दौरान उनका 10 किलोग्राम वजन कम हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक टीवी चैनल से बात किया था। टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अंडा सेल में रखा गया था जहां उन्हें 15 दिनों तक धूप देखने को भी नसीब नहीं हुई थी। संजय राउत का ये भी कहना है कि उसकी वजह से उन्हें आंखों की समस्या भी हो गई थी। खुद को युद्ध बंदी कहते हुए संजय राउत ने यह भी दावा किया था कि भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर देते या मूक दर्शक बने रहते तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। संजय राउत का ये कहना था कि मैं खुद को युद्ध बंदी कहता हूँ क्योंकि सरकार सोचती है कि हम उनके साथ युद्ध में हैं। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल में देखा, वहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अनिल देशमुख सत्ता के दुरुपयोग और कथित करप्शन के केस में जेल में है। उन्होंने इसके बाद सवाल भी उठाया था और ये बताया था कि क्या सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करेगी जो विपक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी तकलीफें भी बताई थी। अब जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त अपनी आपबीती सुनाई थी, अब जो उनके तेवर दिखाई पड़ रहे हैं साफ पता चल रहा है कि संजय राउत दोबारा जेल नहीं जाना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जेल में आप घड़ी नहीं लगा सकते और कलाई देखिए वो भी पतली हो गई है। यानी कि संजय राउत ये बता रहे हैं कि जेल में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और दोबारा वो जेल नहीं जाना चाहते, इसीलिए अब ना वो गृह मंत्री अमित शाह पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं और ना ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये खास वजह थी इनकी टिप्पणी ना करने की।